गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माई अनदर न्यू व्लॉग। और मॉर्निंग में उठ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ चाय एंजॉय, अपनी बेड टी पी रही हूँ क्योंकि तन्मय चला गया अपने कोचिंग और सुनील जी चलेंगे जिम। तो मैंने कहा चलो जी मैं भी अब चाय पीती हूँ और फिर अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे। आज क्या करते हैं, आज कहीं जाना है मार्केट वगैरह। लास्ट व्लॉग में हमने देखा था सोफे वाले भैया आए थे, तो हमें न्यू सोफे बनवाने हैं, तो हम घर पे ही अपने बनवाएंगे, पक्का काम करवाएंगे, मजबूत सोफे, क्योंकि रेडीमेड इतने पक्के नहीं होते। तो आज उसके लिए मार्केट चलेंगे, कपड़ा वपड़ा देख के आएंगे, शॉपिंग करके आएंगे सामान वगैरह की। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस नहा धो ली हूँ और नहा धो के आ गई हूँ किचन में और अब ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है, मतलब बन रही है मेरी, बैंगन का भरता बना दें और अब साथ में बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में सैंडविच, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा अपना घर का काम निपटा के फिर चलेंगे मार्केट। Much, much, much later. कल कम थी, आज और ज्यादा हो गई है। कल तो थोड़ी हवा भी चल रही थी, दुनिया ने एसी लगा लिया है, गाड़ियों में एसी, घरों में एसी, एसी लगा रहे हैं लोग, पेड़ लगा लिए, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ये बात सही है। गाइस गर्मी होना तो नेचुरल बात है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। देख सकते हैं बाहर कितनी हो रही है। तो गाइस भैया भी आ गए हैं, इनके फ्रेंड हैं ये। ये भी अच्छा है, ये थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा ना, लाइट कलर पे खेलेगा। इतना भी लाइट नहीं, इतना लाइट खेलेगा क्योंकि डार्क ज़्यादा लेने पे ना जो डिज़ाइन हम करेंगे दब जाएगा। एक ये भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें 12 कलर मिलेंगे, क्वालिटी है भैया, बुक ले करके आपने सुना होगा बुक में। हाँ वो इसी के 12 कलर हैं, एक जैसे ये लाइट आ गया, इसको जैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है। ये वैसा लग रहा है खद्दर टाइप है ना थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या है कॉफी भी देखने लगेगा ये कलर कैसा लगा तुमको? ये भी अच्छा लग रहा है, ये वैसा ही थोड़ा पिंक कलर है, ऐसे नहीं समझे वैसा कैसा वैसा लग रहा है। सोफे वाला होता लाइट है वो, ये वाला पिंक था, ये वाला ये भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक जो मैं कह रही हूँ आपको, इसकी वो मिल जाएगी लीक तो भाई, थोड़ी कंफ्यूजन है कलर में, ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन थोड़ा सा ग्रेज बॉटल ग्रीन टाइप आ रहा है। भैया ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, है भैया ये कलर गाइस, कलर की बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे, और से हमें कलर हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा नहीं, अब धूप में देख रहे हैं लोग। अब धूप में कलर की चेकिंग हो रही है, तो वापस आ गए हैं, अब मैं आ गई कार में बैठ गई हूँ आके, तो कपड़ा चॉइस कर लिया है, वो भी वहाँ हमें मिला नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कल मंगवा देंगे, अब कल कपड़ा आ जाएगा, मगर आपको कपड़ा दिखाएंगे सोफे बनने के बाद ही, जब फाइनल सोफा तैयार हो जाएगा तभी दिखाऊंगी, और सोफे वाला भी एक दो दिन में आ जाएगा तो काम स्टार्ट होगा। तो सुनील जी अभी अपने फ्रेंड के साथ कहीं गए हैं, भैया जो है राजेश भी है, इनको नॉलेज है इस चीज़ की क्योंकि इनका इंटीरियर लाइन का ही काम है, वगैरह बनाने, सोफे बनाने जो भी है, अलमीरा वगैरह, इनका जो वगैरह में इंटीरियर का जो भी वर्क होता है यही करते हैं, तो इनका अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी जगह कड़ुगामा वगैरह, जीके, ग्रेटर क्लास वगैरह में इनका काम है, तो इनको नॉलेज है, तो इस भैया को इसलिए साथ लेके आए थे, और इनका नोन ही था ये बंदा। तो अब ये कहीं काम से गए हैं और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, तो फिर घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज बाहर से वापस घर आ गए हैं और आके चेंज भी कर लिया है, भाई बाहर के कपड़े तो सुहाते ही नहीं है, बाहर बाहर सूट वूट जो पहनना होता है, हल्के हल्के कपड़े सुहाते हैं, मैं तो आते ही चेंज कर लिया है और अपना सारा ऑर्डर दिया है, सोफे का सामान का जो भी कच्चा सामान होता है उसका सबका ऑर्डर दिया है अपने सामान का, और सामान हो सकता है आज आ भी जाएगा शाम तक। और अभी मैंने पार्लर वाली हमारे साथ में नेबर रहती है रजनी, उसको बुलाया है थ्रेडिंग वगैरह बनाने के लिए, थ्रेडिंग वगैरह बनवा लूँ मैंने कहा, बहुत दिन हो गए बनवाए हुए, मंथ में वन टाइम तो बनवा ही लेती हूँ एक बार,
तो अब उसको बुलाया है क्योंकि कल भाई जिम्मेदारी निभाने का दिन है, तो कल जिम्मेदारी निभाना, छुट्टी मत करना, कल ये मत समझना छुट्टी का दिन है, कल जिम्मेदारी निभाने का दिन है, तो वोट जरूर डालने जाना। अभी रजनी आती है तो आपसे ही मिलवाते हैं, थ्रेडिंग वगैरह बनवाऊंगी मैं। भाई रजनी आ चुकी है, अब इससे थ्रेडिंग वगैरह बनवाएंगे, और मम्मी छिल रही है करेले। अब की बार मम्मी के पसंद के करेले आ गए, देसी करेले। मम्मी कह रही बड़ी है भाई, वोट मोदी जी को ही देंगे क्या? वोट अपना बताते नहीं है किसको देना है, जो मिले उसको बोलो आप ही को देंगे। रजनी आई हुई है हमारे नेबर में, ये फ्रीलांसिंग करती है, तो मैंने थ्रेडिंग के लिए बुलाया था, तो थ्रेडिंग तो कर लिया। अब ये मुझे बोल रही है अपने फेस पे भी कुछ ना कुछ करते रहा करो आप, जो कि मैं नहीं करती। तो ये बोल रही है आप बाहर के प्रोडक्ट ना यूज करके घर के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अब इससे ही पूछते हैं रजनी से भी क्या प्रोडक्ट यूज करके हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, तो आप भी जान लीजिए और आप भी अपना फेस क्लीन कर लेना। तो गाइस रजनी आपको बताएगी कि कैसे क्या करना है, तो बताओ रजनी। हाय गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं DIY घर के लिए, जो हम पैक बना सकते हैं। ठीक है, हमारे रसोई में जितने भी आपके घर में मौजूद होती है दही बेसन वगैरह, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं आइए हम बताते हैं आपको। हम एक तो हमें दही लेनी है और बेसन लेना है, उसको हम दोनों को पेस्ट बना के हम लोग पैक लगा सकते हैं। और अपना रिजल्ट देखें, फेस आपका क्लीन होता है नहीं होता, और मैं भी करके देखूंगी। और ये चीज जो मैं अपने शॉर्ट में दिखाऊंगी, जो शॉर्ट्स में डेली डालती हूँ उसमें मैं ट्राई करके और फिर आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे क्या होता है। और ऐसी डेली वीडियोस जो है इसको मैं बोल रही हूँ कि ऐसी डेली वीडियो लेने के लिए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, आप हमें बताइए कि हमें हमारे फेस नॉर्मल ड्राई है तो हमें कैसा पैक जाएगा, या हमारी टैनिंग है या हमारी पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए हम लोग आपको ये वीडियो भेजेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना कि अपनी स्किन को ओके करने के लिए, बेस्ट करने के लिए, बिल्कुल जो है समर विंटर्स में जैसी स्किन होनी चाहिए, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए डेली रूटीन्स में घर के प्रोडक्ट से ही, तो रजनी हमारे साथ शेयर करेगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये चीजें चाहिए तो कमेंट में बताना और हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंड करते हैं, ब्लॉग को हम करते हैं एंड। और कल वोट डालना ना भूलिएगा, कल वोट का दिन है, तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए अच्छे से, जो कि रजनी भी निभाएगी, इसका भी वोट बन चुका है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और मैसेज करना ना भूलिए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है।